जितेंद्र सिंह सदल दर्शकों, मिस्टर जितेंद्र सिंह सदल दर्शकों, सदल निवासियों के साथ इंसाफ करो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांधी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गांव देखिए सदल गांव में 2014 सितंबर में जो त्रासदी आई उसमें लगभग 40 लोग जिंदा दफन हो गए और दो डेड बॉडीज अभी भी निकालने में यहां की सरकार विफल रही है। जबकि उसके बाद यहां के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उधमपुर के और पीएमओ ऑफिस में हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने अनाउंस किया कि इसको मैं आदर्श गांव बनाऊंगा, इसको गोद लूंगा। उसके बाद उन्होंने विज़िट भी वहां पे किया, लेकिन विज़िट करने के लगभग अब 2 साल बाद भी उस आदर्श गांव को एक जो मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सुनने में आया कि अनाउंस करने के 6 महीने बाद उन्होंने दूसरा जहाँ उनका जो पेरेंटल गांव था उसको अडॉप्ट कर लिया, इसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो सदल गांव इतना बड़ा त्रासदी शायद जम्मू कश्मीर में 2014 में जो कश्मीर में त्रासदी हुई उससे बड़ी त्रासदी, क्योंकि कश्मीर में भी 40 लोग कहीं किसी गांव में दफन नहीं हुए जिंदा, तो ये इस गांव में हुए। और इन गांव वालों के साथ नाइंसाफी है कि जितेंद्र सिंह जी ने इनके साथ झूठ बोला। आज मुश्किल ये है कि उसमें इनकी टोटल ज़मीनें तबाह हो गई हैं, इनकी टोटल ज़मीनें स्लाइड कर चुकी हैं, मकान स्लाइड कर चुके हैं, वहाँ से कभी एक गांव में शिफ्ट करवाते हैं कभी दूसरे में। अभी उधमपुर के बगल में एक सुई गांव में इनका रखा है और वहाँ पे एक डिज़ास्टर मैनेज